नमस्कार, टीएमटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज 24। सेंगोल के पीछे की पूरी कहानी। सेंगोल एक आम धातुओं का डंडा न होकर एक ऐतिहासिक राजदंड है। इसकी बनावट कुछ इस तरीके से कि अंदर की तरफ चांदी का दंड और उस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। ऊपर की तरफ नंदी की प्रतिमा है जो न्याय का प्रतीक है। वर्तमान में जो सेंगोल नई संसद में स्थापित किया गया है वह 75 वर्ष पुराना है और इसके पीछे एक ऐतिहासिक महत्व इस तरीके से है। जब भारत स्वतंत्रता 1947 में प्राप्त कर रहा था तब इस अवसर का महत्व और बढ़ाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन जो उस समय के वायसराय थे उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू जी के आगे एक सुझाव रखा। नेहरू जी ने इस सिलसिले में सी राजगोपालाचारी जो उस समय के गवर्नर जनरल थे उनसे अपने विचार व्यक्त किए। तमिल मान्यता में प्राचीन चोल सभ्यता में जब भी राजा का राज्य अभिषेक होता था तब सेंगोल नए राजा को दिया जाता था। इसी को आधार समझकर उनके सुझाव पर प्राचीन तमिल मान्यताओं के अनुसार भारत को ब्रिटिश से अपनी सत्ता वापस मिल रही थी तो इस सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक इस सेंगोल को बनाने का चयन किया। यह सेंगोल राजदंड का काम करता है। यह एक ऐसा राष्ट्रीय प्रतीक है जो भारत के दक्षिण और उत्तर हिस्से को एक साथ जोड़ने की तरफ सरकार की पहल को दर्शाता है। यह सेंगोल नए लोकसभा के स्पीकर की कुर्सी के बगल में स्थापित किया गया ताकि एक ऐतिहासिक प्रतीक को उसका सम्मान दिया जा सके। आपको यह भारत सरकार का कदम कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह के हर मुद्दे की गहराई को समझने के लिए देखते रहिए टीएमटी न्यूज 24।